सिद्दीक मुड़ के कहन लगे मैं वाकई बड़ा सियाना, आपने फरमाया घाटे दा मैं नहीं तू सौदा कर ले आए। ओ मैया कहन लगा मैं ते हजारा कमाए ने, फरमाया जाओ ये जालिमा एडा महंगा विलाल हजारा दा बेच दिता। फरमाया अज कदे रूम ते फारस दी बादशाही मंग दो, मैं विलाल दे कदमा दुबार देनी सी। ओ मैया कहन लगा मैं ते हजारा कमाए ने, फरमाया एडा महंगा विलाल एडा सस्ता बेच दिता। फरमाया मेरे यार नु पसंद आ गया है, इनू खरीदन वास्ते अज कदे मैनू विकना पैंदा। आप विक जाना सी बिलाल खरीद लेना। अज मैं ओदा जिक्र छेड़न लगा जेड़ा जहरी तौर ते सोना नहीं पर ओदे दिल विच कमली वाला है। गुलाम सन्ना ते विकदे विकांदे मक्के दी मंडी विच आए, मक्के दी मंडी दे अंदर आए ना, खरीदन वाला चौधरी जिहदा नाम है अब्दुल्ला बिन जुदान, सीरत निगार लिखते ने कि पूरे मक्के च सब तो ज्यादा जिहड़े चौधरी दे गुलाम सन उहदा नाम सी अब्दुल्ला बिन जुदान। मक्के दी मंडी च निकलिया ते गुलाम खरीदन वास्ते एक गुलाम नूं पुछदा तेरा नाम की है, आख्या बिलाल। कहन लगा कदे गुलामी कीती? कहन लगा मैं भी गुलाम हाँ, मेरा अबू भी गुलाम, मेरा दादा भी गुलाम, ते मेरी मां भी बांदी, मैं खानदानी गुलाम हाँ। खरीदार ने पूछा कदे कोई काम भी कीता? आख्या मेरा आका जेड़ा कहे मैं ओही काम कर लेना। बोली लगी ते कौड़ियां दे भाव एक गया। वाह इश्का तेरे बल्ले बल्ले। एक दिन अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बचपन है, ते आपने बचपन ते आईना देखिया ते अपना हुसन आईने च वेखिया ना, ते आपनु ख्याल आया मैं नबी हाँ, मेरा अबू भी नबी है, मेरा दादा भी नबी, ते मेरा परदादा भी नबी। मेरे नबी ने फरमा करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम, नस्ल करीमा दी। बचपन च हजरत यूसुफ ने हुसन वेख्या आईने दे अंदर, ते आपनु ख्याल आया मैं ते नबियां दा पुत्र हाँ, जे कदे गुलामां दा पुत्र होंदा ते मैं गुलामां दा पुत्र बन के बाजार च विकना सी, ते जितना मैं सोहना ना बड़ा मैं महंगा विकना सी। हुसन ते मान आ गया ते जद मिस्र दी मंडी च बोली लगी 32 खोटे सिक्कियां ते विक गए, खोटे सिक्कियां। उत्तों आवाज आई हुसन ते मान न करी मैं खोटे सिक्कियां ते वका देना। जब इश्क दी मंडी च बोली लगी ना फिर ते ओ यूसुफ ते मिस्र दा बाजार है, ते अजीजे मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी। अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया है पारी, ते खजाने सारे एक पासे ते यूसुफ एक पासे तरकड़ी च रखे गए, ते खजाने सारे मुक गए ते यूसुफ दा मुल ही नहीं पिया लगदा। ते रो के हजरत यूसुफ ने आसमान वल वेख के अर्ज की थी, उत्थे 32 खोटे सिक्कियां ते वका दिता, इत्थे खजाने मुक गए ते अजे भी नहीं विकदा, ते आ केड़ी रमत है। उत्तों आवाज आई उत्थे वीरां वकाया सी, इत्थे असी पे वकाने। सुभान अल्लाह, इत्थे वीरां वकाया सी। वाह इश्का तेरे बल्ले बल्ले। इत्थे ते यूसुफ वर्गे सोहणे विक गए ते ओहदा ते रंग ही काला सी, ओते है ही गुलाम सी। कौड़ियां दे भाव विक गए मक्के दी मंडी दे अंदर। खरीदन वाला लिया के ते घर बिठा के कहन लगा तेनू पता मैं क्यों खरीद के ले आया? आख्या जी दसो मेरा ड्यूटी की है, मेरे वास्ते हुक्म की है? आख्या ऊंट चारिया कर। जिहड़े अरब दे अंदर गए उन्हां नू पता कि अरब दे अंदर ऊंट चारना गर्मी दे अंदर बड़ा मुश्किल काम है। कहन लगा सारा दिन मेरे ऊंट चारिया कर, ते शाम नू मैं तेनू एक दाने दी बोरी देवांगा, ते चक्की पीस के ओ दाने दी बोरी नू रोजाना आटा बनाना है, यानी ना दिन नू आराम है ना रात नू आराम है। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मुहार पकड़ी ते ऊंट चारन टुर पे मक्के दी चरागाह दे अंदर। फैसलाबाद के नौजवानों 59 चक वाले कुर्बो जवार तो आमन वाले, इन हबशियां नू अल्लाह ने रंग काला ते आवाज बड़ी सोहनी दित्ती होंदी है। बिलाल हबशी जड़े वेले ऊंट चार दे नाले दुनिया दे नगमे गांदे ने, एक दिन बिलाल दी आवाज पहाड़ा न टकरा के फरिश्ते आ दे कन्ना च बह गए।
गई फरिश्तियां नूं वजह दे आ गया अर्ज कीती अल्लाह एदी आवाज बड़ी सुरीली है ए दुनिया दे नगमे पिया गांदे अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते ठहर जाओ इनू मैं अपने यार दी गुलामी देवांगा एक दिन आवाज एदी आवेगी नगमा मेरा आवेगा जग भी सुनिया करेगा रब भी सुनिया علامہ اقبال نے اسے نغمے دے بارے فرمایا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری گرامی قدر حضرات بلال پھر جدو اونٹ چار رہے نا تے آواز سن کے فرشتے آکھیا اے دنیا دے نغمے گاندا اے آواز ہی اک دے نغمہ ساڈا ہوے گا تے آواز ایدی ہوے گی او ویلا آن والا اے گرامی قدر حضرات اونٹ چار کے بلال گھر آئے نا تے چکی پیس رہے تے فرماندے نے او 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 قریب اک نال ہی غلام اے او وی چکی پیس دا او چکی اٹھا کے بلال دے قریب لے آیا تے بلال نے فرمایا تیرا نام کی اے اونے آکھیا میرا نام عمار بن یاسر تے پوچھیا تیرا نام کی اے آکھیا میرا نام بلال دوویں غلام یار بن گئے ہن رات نو کٹھیاں بیٹھ کے چکی پیس دے نے چکی پیس دے نے اچانک ایک دن چکی پیس دیا بلال فرما دے نے او سامنے دروازے تے دروازے دے سامنے ایک سونا جا گزریا او گزریا کی میرا دل بھی نال ہی لے گیا بلال عمار دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے عمار او 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 جڑا سامنے سونا جا گزریا اے کون ہے عمار فرمان لگے تینوں نہیں پتا آکھیا میں نواں نواں مکے آیا مینوں نہیں پتا کون ہے آکھیا دا نام محمد ہے اے عرب دے سرداراں دا بیٹا ہے اے قریش دے سرداراں دا پتر ہے اے کعبے دے متولی دا پتر ہے اے دا نام محمد ہے اے دی صورت بھی سونی اے دی سیرت بھی سونی تے مکے دے لوگ اینوں محمد تھوڑا بلاندے نے تے صادق تے امین کہہ کے بہتا بلاندے نے بلال فرما دینے او کی گزریا میرا دل بھی ترجمہ کرم یا محمد بخش دی زبان ہے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سائی تھوڑا لنگر گروں کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے لنگر کھوا کے آکھیا نا پترا جا تینو ماں محمد لنگر تے پالیا او بولے سبحان اللہ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارفِ کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لے آئے کالے کنڈل کالے کنڈل زلفِ مہی محمد لٹ کھڑیا دل میرا اکھن لے اکھن نیلا محمد لٹ کھڑیا دل میرا فرما دینا سونا کی گیا دل بھی نال ہی لا گیا ہن بلال فرما دے نے میں دروازے پچھ پیچھے چھپ کے رستے اڑیکنا کدھرے او سونا ماہی گزرے تے پھر کدھرے نظری آوے پھر ویکھاں ایک دن نہ بلال نو حضرت عمار بن یاسر نے ویکھیا کہ حضرت عمار نو نہ مار مار کے نہ کافرہ تے بلال دے کمرے چ بے ہوش کر کے سٹیا ادھی رات ویلے بلال نے پانی سٹ کے ہوش دلا کے نہ تے عمار نو فرما دے نے تینوں کیوں مار پئی تو کو غلطی کیتی کہن لگا بلال ویکھ میں انہاں نو کہنا رب اکو ہی ہے اے مار دے نے تے بلال ہس کے فرما دے نے پھر مارا تے تینوں پیانیاں چاہی دیا نا تینوں کنے آکھا رب بیکے تینوں نہیں پتا او کعبے چے جڑے 360 خدا نے او جڑے پت بنائی کے رکھے نے او سارے خدا نے تینوں کنے آکھا رب ایک رب بھی کدے ایک ہویا ہے
ते अमार कहंदे ने मेरा माही ते कहंदा रब इक्को ही है। ते बिलाल फरमांदे ने तेरा महबूब कौन है? ते अमार कहंदे ओ जिहड़ा दरवाजे चो सोना जिहा गुजरदा ते तैनूं सोहना लगदा ना ओ ही मेरा रसूल ते मेरा महबूब ते मेरा मतलूब है। ओ कहंदा रब इक्को ही है। बिलाल ना सोची जी पै गए। अमार मोढ़े ते हाथ रख के फरमांदे ने की पिया सोचना है? ते बिलाल फरमांदे ने इन्ने रब्बां कोलों साडे काम नहीं होंदे ते इक रब किहड़े किहड़े काम करेगा? उंज अकल ते नहीं मानदी कि रब इक होवेगा, पर जे ओ कहंदा है ना फिर इक ही होवेगा। जो सोहना कहंदा है ना फिर इको ही होवेगा। ताइयां बिलाल हबशी ने कलमा पढ़िया। लोग कहंदे ने कलमा क्यों पढ़िया? आप फरमांदे ने किसे ने चन्न टुटदा वे के कलमा पढ़िया, किसे ने सूरज मुड़दा वे के कलमा पढ़िया, किसे ने दरख्तां नूं टुरदियां वे के कलमा पढ़िया, किसे ने पत्थरां नूं कलमा पढ़दा वे के कलमा पढ़िया। फरमांदे सन मैं इको ही बिलाल हां किन्ने मुहम्मद मुख वे के कलमा पढ़िया। फरमांदे मैं ते यार दा मुख वे के कलमा पढ़िया। तू एडा सोहना तेरा रब किन्ना को सोहना होवेगा? तर्जमा करां जी आखो सुभान अल्लाह। थोड़ा जहा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए, हाथ बिल्कुल नहीं झुकना, मत किधरे को शहीद ना हो जाए। मैं मिंबर रसूल ते बैठा, सुभान अल्लाह बोलना हर बंदे दे वस दा रोग नहीं। सियाने लोग कहंदे ने कि वड्डे लोगां दे कद वड्डे नहीं होंदे, वड्डे लोगां दे दिल वड्डे होंदे ने। बात किरदार की होती है, वगरना कद में इंसान से साए भी बड़े होते हैं। तो दिल दरिया समुद्रों डूंगे, दिल दरिया वर्गा होवे समुद्रों डूंगा होवे, विच इश्क मुहम्मद दियां लहरां होण, सोने दा नाम आवे सुभान अल्लाह हर लहर चो पे निकलदी है। मैं कर देना कर देना इश्क करदा सदा भी कर देना, अजे ते मैं शुरू हो रहा, अजे ते मैं बिलाल हबशी दा सिर्फ तारफ करावन लगा, इश्क ते अजे मैं छेड़ना है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। शाह जी मौलवी खंगूरा मारे ना ते नाल दे नु कोणी मार के कहंदे ने गया ही, ते असीं आखे ना सुभान अल्लाह कहो ते एडे सियाने ने दिल च ही कर लैंदे ने नहीं। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ते झुक झुक तुहानू सलाम करन, आओ वेखो नबी दे इश्क दियां गल्लां हुंदियां, सुननी सुभान अल्लाह पे आखदे ने। बिलाल हबशी फरमांदे ने मैं वेख्या इक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें, इक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें, इक माह मदन गोरा कुल की खबरें, वो दिखा के फबन वो सुनाओ के सुखन, मोरा भूख दिया सब तन मन धन। मुसाफिर खाना दा कुछ सकलैन बच्चा है भाई, पूरी महफिल जैन लड़का मुसाफिर खाना दा भाई कोई है? जेड़ा भी है उन्हें घर भेज दियो फौरन, उन्हें दे घर एमरजेंसी है फौरन। घर डॉक्टर लतीफ साहब वो भी साल कर गए ने, तो इन्हें दा जेड़ा भी अजीज जो घर चला जाए हुण तवज्जो है ते इक वारी सुभान अल्लाह बोलो भाई। अल्लाह उन्हें दे दरजात दी बुलंदी फरमाए ते अल्लाह उन्हें दी आखिरत दी मंजिल आसान फरमाए। बिलाल हबशी ने जब रुखे मुस्तफा नु देखा ते कलमा पढ़ लिया। गिरामी कदर हजरात, फिर ए इस तरह करके ना बालों तो पकड़ के ते झूड़ा मार के ना ते अबू जाल कहंदा दस मुहम्मद दा दामन छड़ना ही के नहीं। ते बिलाल ओदे वल इंज आखे चक पा के फरमांदे ने, वेख के फरमांदे ने ना छड़ा ते की करेगा? आ मेरे वल वेख इंज झूड़ा मार के कहंदा बिलाल, ते बिलाल ओदी आखे जाका पाके ना ते फरमांदे ने की आए तुसी समझे नहीं,
गुलाम अपने आका दी जुत्ती नूं धुप विच चुक के छावे करदा ते मार पैंदी है कि अपने मालिक दी जुत्ती नूं हाथ क्यों लगाया। पर अज ते अजीब मंजर हो गया, जिहड़े लहजे नाल चौधरी पिया बुलांदा है उसे लहजे नाल गुलाम पिया बुलांदा है। ते ओह कहण लगा ओए बिलाल, बिलाल फरमांदे ने की आ ओए हुण तुसीं पुछो गया सी साहब ए की है, इहदा वी तर्जमा करो। सुभान अल्लाह, मैनू पता मस्त हो गयो, पर शेख सादी फरमाते ने ऊंट मस्तिया होवे ते एक मन की बजाय दो मन पार चुक जाता है। इश्क की मस्ती जी बोली जाओ सुभान अल्लाह। एक दिन नबी पाक नु किसे आके आख्या कि बिलाल मक्की दी गलियों च बड़ा आकड़ के चलता है। नबी पाक ने फरमा बिलाल नु बुलाओ। बिलाल आए ना तो नबी पाक ने फरमाया वा इबादुर रहमान लदीन यमा, जिहड़े रब दे बंदे ना आकड़ के नहीं चलते, उस जमीन ते आजजी नाल चलते ने। बिलाल ने आख्या बिल्कुल ठीक मेरे रब ने फरमाया जी। हजूर ने फरमाया अल्लाह कहंदा वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन ते अकड़ के ना चलो। बिलाल ने आख्या जी ये भी मेरे रब ने बिल्कुल ठीक फरमाया है। हजूर ने फरमाया फिर तू क्यों आकड़ के चलना है। बिलाल दी ते निकल चीखा गई, अर्ज की मैं गुलाम, मेरा अब्बा गुलाम, मेरा दादा गुलाम, मैं हबशी, मेरा रंग काला, पल्ले मेरे यार सुल्ला तेरे इश्क दे सिवा है कुछ नहीं, ते मैं की आकड़ना है। तुहानू किन्ने आखे यार सुल्ला मैं आकड़ना। हजूर ने फरमाया लोग कहंदे ने बिलाल आकड़ दे, बिलाल आकड़ के टुर दे। हुण बिलाल दा जवाब सुने आ जे। बिलाल हबशी ने हाथ जोड़ के अर्ज की कमली वालिया जे सच्ची पुछना मैनू आकड़ा तू दितिया। कमली वाले मैं ते मारा खांदा रहा हूं, जदों दा तेरा इश्क कमा के अमीर होया हूं। आज कोई काफिर अकड़ के गुजर जावे अदरों तेरे इश्क दी आवाज आंदी है बिलाल आकड़ बिलाल आकड़ बिलाल आकड़। ए झूठा हो के आकड़ सकदा है, तू सच्चा हो के भी आकड़ सकना। अर्ज कीती गरीबां दा पख करन वाले सानू माड़िया नूं ते आकड़ां ही तू दित्तियां। बिलाल हथे जोड़ के कहन लगे अरबी सुल्तान आया भाई, कोई अरबी सुल्तान आया, कोई अरबी सुल्तान आया। हुन जिदे जिदे को लाया हाथ चुके आखे अरबी सुल्तान आया भाई, अरबी सुल्तान आया। ए नीमिया उच्चिया दे सोना फर्क मिटाना, ओ नीमिया उच्चिया दे सोना फर्क मिटाना आया। मेरे आका अलैहि सलाम दे गुलाम वल वेख के ना ते चौधरी ने आखा ओए बिलाल, ते बिलाल ओदी अखे चक पा के फरमाते ने की आए, कहंदा कुछ नहीं। फरमाया हुण बोल। कहन लगा मैं एक गल करनी है। फरमाया कह ना। कहन लगा मैं तेनू मार मार के थक गया, तू मार खा के थकिया ही नहीं, हाय नहीं करदा, रोंदा नहीं, कुरलाउंदा नहीं। बिलाल तेनू दर्द नहीं होंदा। बिलाल फरमांदे ने करीब आ। वो करीब होया, फरमा कन्न च मेरी गल सुनो। ने कन्न करीब किया, फरमांदे ने है तो बेईमान है, मैनू ईमान नाल दसी कदे इश्क किया ही। कहंदा ओ की हुंदा? फरमा जाओ लांती है ते पता ही उहनू हुंदा जिहने कीता होवे। फरमाया तेनू की पता होवे इश्क केड़ी बला दा नां है। कहन लगा मैं तेनू दर्द पूछना, तू इश्क पिया सुनाना है। आपने फरमाया इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, नायरा वेखदा ना कुरा वेखदा, इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, नायरा वेखदा ना कुरा वेखदा। ए जिथे चावे झुका देवे आशिक दसर, नायकावा ते ना करबला वेखदा।
लगा बिलाल मैं तेरी जान कट देवांगा। फरमाया कट दे मेरी जान कट दे, ते मुहम्मद ईमान ही ना रिया, मैं रब दी जान की करनी। फरमाया कट दे तो मेरी जान ही कट दे। ओ मार दे, ओ जिंदा जोर नाल मार दे बिलाल, उन्नी उची आवाज ना कहंदा अहद, उची बोल के अहद पुकार दा सी। काफिर हार जांदे, ओ नहीं हार दा सी। ओ मार के कहंदा दस मुहम्मद दा दामन छड़ने के नहीं। फरमाया नहीं छड़ना। मारन वाले मार मार के थक गए। उन सर चक वाले हो फैसला बादी हो। जदो मैं शाजी के बिला हजूर, मैं बचपन च अपने वाले दे गिरामी खतीबे पाकिस्तान हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद लतीफा सी रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन च इन प्रोग्राम ते जाना, ते मैं इस तरह करीब बैठा आउंदा सा। वाले साहब ने जदों तकरीर करनी ना, तो उन्होंने जदों जिक्र करना ना कि बिलाले हबशी नूं इन्नी मार पई, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अग विच छाल मार दिती, अल्लाह दे नबियां दे टुकड़े टुकड़े कर दिते गए आरे हेठां लिया के, ते मैं बचपन च सोचना करीब बैठ के ये जिहड़े अल्लाह वाले सन इन्हां नूं मार क्यों पैंदी सी। मैं बचपन चो सोचना मार ते अबू जहल नू पैनी चाहिदी सी, अल्लाह दा दुश्मन सी, मार ते नमरूद नू पैनी चाहिदी सी, रब रबूबियत दे दावे करदा सी, मार ते फिरौन ते शद्दात ते हमान नू पैनियां चाहिदियां सन जिन्हां रबूबियत दे दावे कीते ते रब ना मत्थे लगाए। ये जिहड़े इश्क वाले इन्हां नू मार क्यों पैंदी। मैं सारी जिंदगी सोचदा रहा, मैनू गल समझ च ना आई, पर मैनू किसे सूफी ने समझाया। उन्हें आख्या कि ओह जिहड़ियां माइयां वडेरियां बाजार चो बर्तन लैन जांदियां सन ना, मिट्टी दे बर्तन आउंदे सन, ते माई ने को कनाली लैनी, को तबाक लैना, को प्याला लैना, कोई बर्तन लैना ना, ते उन्होंने इस तरह करके ना तली ते रखे, ते माई इस तरह ठोक के बजा के वेखना, ते आवाज तो महसूस करना, जे आवाज कच्ची ते पिल्ली आनी ना, ते दुकानदार नु बर्तन वापस करके कहना इन्हों पकाओ, ये पट्ठी चो कच्चा ही निकल आया, इन्हों होर पकाओ, ते जे खनक दी आवाज आनी ते खरीद लेना पांडा पक्का है। ते सूफी साहब मैनू कहन लगे आसी साहब कच्चा पांडा ते पिंड दी माई नहीं खरीददी। इंसान भी जदों इश्क दी मंडी च विकन आउंदा ना, फिर यार भी ठोक के बजा के वेखदा किधरे कच्चा ही ते नहीं आ गया, फिर साई भी ठोक के बजा के चेक कर देने किधरे कच्चा ही ते नहीं आ गया। फिर उन्हें इश्क दी पट्ठी च पकाया जाता है, पट्ठी च पकाया जाता है, फिर मार मार के पकाया जाता है। हजरत खाजा खाजगा हजरत खाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह तौसे दी गली च जा रहे, ते छोटे छोटे बच्चे ना बेरी दे दरख्त नूं पत्थर पे मार दें। इतने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, कदी जिंदगी च तुसां बुजुर्ग भी बैठे कदे वेख्या होवे किसे किक्कर दे बूटे नूं पत्थर मारिया होवे? बोलो नहीं ना। या ते लोग जामनू दे दरख्त नूं मार दें, या बेरी नूं, अंब दे दरख्त नूं, अंगूरां दी वेल नूं। पता लग गया कि पत्थर उन्हूं पैंदे ने जिन्हूं फल लगा होवे। जिहड़े दरख्त नूं फल नहीं ना लगदा उन्हूं पत्थर भी नहीं पैंदे। जे तेनूं भी कोई पत्थर मार देवे, तेनूं कोई मंदा बोल देवे ना, ते समझिया कर मैनूं कुछ लगा है। शुक्र कतार कर तेनूं कंडे नहीं लगे, तेनूं फल लग गए है। और फिर दरख्त की अजमत वेख, वो पत्थर खा के ना ते फल देंदा है। नेक इंसान दी भी ए सिफत हुंदी है, वो मंदा कोई बोले वो चंगा ही बोलदा है। इंसान दी सिफत दरख्त वाली होनी चाहिए, अपना बह जाए बेगाना पै जाए सारे ते छां कर देंदा है। ठीक है। हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी ने वेख्या कि एक बेरी दे दरख्त नूं बच्चे पत्थर मार दे ना, ते एक पत्थर आके पेशानी ते लग गया, आपका खून निकलिया। तो आपने उस बच्चे को करीब करके ना फरमा बेटा मैंने क्यों मारिया? बच्चा रोई जावे कि मैंने मारनगे। कह लगा बाबा जी मैं तुहानू नहीं मारिया। फरमा किनों मारिया? कहिंदा मैं वो बेरी नूं पिया मारदा सां। तो आप लजपाल सन, फरमाया चल मैनू नहीं मारिया तो उन्होंने क्यों मारना है? कह लगा बाबा जी मैं पत्थर मारना बेर सट दी है। ख्वाजा सुलेमान तौसवी चीख मार के बेहोश हो गए। होश आया ना ते वेखा बच्चा पिया दौड़दा सी, उन्हें जाके पिछू जफ्फा मार के सीने लगा के ना, ते सारे फैज अता करके विलायत दी सारियां मंजिलां तय करा दित्तियां। फरमांदे ने तैनूं निक्के जिहे नूं पता है बेरी नूं पत्थर मारीए ते बेरी बेर देंदी है? फरमाया बेरी नूं पत्थर मारीए बेरी बेर देंदी है, वली नूं पत्थर मारीए वली कुछ नहीं देंदा। इक्को निगाह कीती ते वली बना देता। मेरी मिल्लत दे नौजवानों,
पता लगे पत्थर मारा उन्होंने पैदी है जिन्होंने फल लगे हो जे मकबूल होवन इम्तिहान उन्होंने देने पैदे बिलाल जदों इम्तिहान दे 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 के पक गए ना एक दिन नबी पाक सहाबा च बैठ के फरमा कोई होवे जिहड़ा मेरा बिलाल ही खरीद ले और नुकरे इश्क दी दुनिया दा इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे उठ के ना ते दरवाजे वल टुर पे कि आखे चल एक गुलाम अपनी मर्जी का खरीदने ते एक यार दी मर्जी का खरीद लेने आ टुरे ना ते आप दरवाजे च पहुंचे ते नबी पाक फरमाते ने जिहड़ा बिलाल नूं खरीदन जावे मेरा हिस्सा ले जावे ते सिद्दीक मुड़ के कहंदे ने सोनिया हिस्से ते शरीकां नाल खरीदे ने हबीबा नाल कोई हिस्से ते नहीं ना करे हबीबा नाल कोई हिस्से ते नहीं करी दे हिस्से ते शरीका नाल करी दे ने यार यार वेखो ना भरा भरा दा शरीक होवे बाप दी दौलत च अद्धे अद्धे दे शरीक होंदे ने बाप चला जाए ते दो पुत्र होवे ते अद्धी अद्धी दौलत दोवां नूं शरीक होवे ना अद्धी अद्धी दौलत दे ते जिहड़ा होवे ना शरीक ओहदे नाल अद्धा अद्धा करी दे ते जिहड़ा होवे ना हबीब उहनूं आखीदा जी कुल्ली वी तुहाडी जुल्ली वी तुहाडी ते असीं वी तुहाडे ही आं पता लग्गिया शरीक अद्धे दा वारस होंदा हबीब सारे दा मालक होंदा है हबीब सारे दा मालिक होंदा है सिद्दीक ने मुड़ के आख्या सोनिया तेरे नाल हिस्से की करा तू कोई शरीक तो नहीं तू ते हबीब सोनिया सारा कुछ ही तेरा आए ना ते आओ मती मक्के दे चौके च हजरत बिलाल नु उमैया पे मारे बिलाल बेहोश कई मन दा पत्थर सीने ते जेड़ा गुजरदा ना बाजार च ओ जो हाथे चाहुंदा बिलाल नु मार के गुजर जांदा है लोग कोठियां ते चढ़ के तमाशे पे वेखदे हजरत अबू बकर भी गुजरे फरमांदे ने क्यों 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 मारना उस गरीब नु उन्हें तेरा की बिगाड़िया है उमैया बड़े गुस्से नाल कहन लगा अबू बकर इन्हां गुलामां नु तू ही बिगाड़िया है साढ़े अगे बोलन लग पे ने इन्हां तो ही बिगाड़िया है एडा गुस्सा लग दी ते खरीद लै फरमा बोली बोल मैं घरों ऐसे काम आया बोली बोल उन उमैया दा ख्याल सी मैं बिलाल बे सामने अज कतल करने वास्ते लेके आया ताकि दूसरे गुलाम डरदे मुहम्मद दा कलमा ना पढ़न उन ख्याल आया हुण मैं मुंह च कह बैठा के खरीद लै कहन लगा होवे ना ते बोली एडी उच्ची बोला अबू बकर खरीदे ना सोच सोच के कहन लगा जे खरीदना ना ते 1000 दिरम लवांगा वाह सिद्दीक मैं तेरी अदमत तो सदके जावा 1000 दिरम दी थैली कढ़ी ते उमैया दी तली ते रख के फरमाया लै बिलाल दा मुल खरीद लिया कहन लगा ना ना मैनूं गलती लग गई इत मैं 2000 कहने सन सिद्दीक ने दूसरे 1000 की थैली भी उदी तली ते रखी कह लगा अजे सौदा पक्का नहीं होया ओ जड़ा तेरे को गुलाम है ना मिस्र दा निस्तास बड़ा सोहना खूबसूरत गुलाम सी बड़ा कारीगर अपने मालिक नु रोजाना बड़े पैसे कमा के देता सी कह लगा ओ भी मैनू दे दे सिद्दीक ने फरमाया ओ भी तेरा कह लगा ओदी बीवी फरमाया ओ भी तेरी लौंडी कह लगा ओदे बच्चे फरमाया ओ भी तेरे गुलाम लोग इकट्ठे हो गए गर्मा गर्मी हो गई ते बाजार दे लोग कहन लगे उमैया कुछ हया कर क्यों 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 मौका करके सौदा करके मुकरना क्यों है उमैया तो गल ना बनी कह लगा जा अबू बकर ले जा बिलाल नु बिलाल दे सीने तो कई मन दा पत्थर हटा के ना ते दामन पकड़ के हिला के फरमाते ने उठ बिलाल तेरे खरीदार आ गए ने उठ बिलाल खरीदार आए नहीं नौजवानों बिलाल तू उठ ही ना जावे इतने जख्म बिलाल दे सीने ते इतने जख्म बिलाल दे जिस्म उते सिद्दीक ने आसरा दे के उठाया ते बाजू अपने कंधे ते रख के टुरे ना ते सारे बाजार वाले मक्की पे वेख दे ते आओ हजरत सिद्दीक अकबर गए ते उमैया आवाज दे के कहंदा अबू बकर जरा गल सुन आपने मुड़ के फरमा जी कहन लगा मैं तो सुनया सी तू अरब का बड़ा सियाना ताजर है पर अज ते बड़े घाटे का मुल किया आपने फरमा किवें कहन लगा एक काले रंग के बिलाल नूं मैं कौड़ियां दे भाव वेचां ते कोई ना खरीदे हजारां दा खरीद के लै चले एडे घाटे दा सौदा कीता ही सिद्दीक मुड़ के कहन लगे मैं वाकई बड़ा सियाना आपने फरमाया घाटे दा मैं नहीं तू सौदा कर ले आए उमैया कहन लगा मैं ते हजारां कमाए ने फरमाया जाओ ए ज़ालिमा एडा महंगा बिलाल हजारां दा बेच दिता ही फरमाया अज कदे रूम ते फारस दी बादशाही मंग दो मैं बिलाल दे कदमां तू वार देनी सी उमैया कहन लगा मैं ते हजारां कमाए ने फरमाया एडा महंगा बिलाल एडा सस्ता बेच दिता ही फरमाया ए मेरे यार नू पसंद आ गया है इनू खरीदने वास्ते अज कदे मैनू विकना पैंदा आप विक जाना सी बिलाल खरीद लेना
ग्रामी कदर बिलाल जदों आए ना नबी पाक की बारगत नौजवान इस तरह दरवाजा खुलिया तो मेरे नबी की निगाह बिलाल बहुत हजूर उठ के खड़े हो गए अखा बंद करके मंजर सोचो जो बिलाल दा एक बाजू सिद्दीक दे मोड़े आते एक मुस्तफा दे मोड़े आते मेरे नबी लिया के सामने बिठाया तो बिलाल दी अखियां नीवियां तो रोई जा रहे मेरे नबी फरमाया बिलाल अखियां उठा तो मेरे वल वेख बिलाल रो के अर्ज की असा गुलामां कदे मालकां दे चेहरे नहीं वेखे बड़ी मार पैंदी है मेरे नबी ने फरमाया हुण दुनियादार दा गुलाम नहीं बनिया खुदा दे यार दा गुलाम बनिया फरमाया हुण निगाहां झुका के नहीं हुण निगाहां उठा के जिया कर बस बिलाल आ गए बिलाल आ गए अजान दी ड्यूटी लग गई उन्हें पहले दिन कन्ना चुंगली लैके जो अजान पढ़ी ना उदी आवाज हवा च लहरा के जो फरिश्तें दे कन्ना च पई ते फरिश्ते नूं वजद ही आ गया अल्लाह फरमा फरिश्ते याद करो आख्या सी ना एक दिन आवाज एदी होवेगी नगमा मेरा होवेगा जग भी सुनेगा ते रब भी सुनेगा फिर एडी मिठी अजान पढ़ दे इतनी मिठी अजान पढ़ दे दाता साहब किताबुल अपनी किताब कशफुल महजूब विच फरमांदे ने नबी पाक ने किसी सफर तो थक के मदीने आना ते मदीने आके फरमाना अरहना या बिलाल बिस्सला हजूर ने फरमाना बिलाल अजान पढ़ मुहम्मद की थकावट उतर जाए एडी मिठी अजान पढ़ दे एडी मिठी अजान पढ़ दे पढ़ा राणा फेम साहब कह रहे हैं सुना दियो तुहाडा की जांदा कहिंदे नूं सुना दियो तो तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जे कई बेली घरों सलाह करके आंदे ने अज मौलवी टिल वाले मैं नहीं बोलना मैनूं 23 साल गुजर गए ने खिताबत करदे इन्हां 23 सालां च मैं हिंद सिंध दुनिया फिर के वेख ली पर यकीन करो उन्हां बंदियां नूं मैं भी नहीं बुला सकिया जेड़े बगैर सलाह दे आयो बोलो सुभान अल्लाह या अल्लाह जड़ा इस तू चा बोले अपनी अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कह के बुलावे करे ऐ हुण लग पता जाना वे क्योंकि अम्मी नो जी ते कहंदा ही कोई ना ते अबू नो ते कोई मुकद्दरा वाला एक ही बंदा जिन्हों जी कहंदे हो ओ तुहानू पता ही है जियां नू जी कही जांदे ने मैं ये नहीं कहंदा बालां दी मां नू जी ना आखो पर अपनी मां नू जी आख्या करो है ओ बोले जेड़ा अपनी अम्मी नू जी कह के बुलांदा है या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले पांच वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जाए जेड़ा इस तो उच्चा बोले सगीरा कबीरा जो गुनाह सारे माफ करा के जाओ बिलाल कन्ना चुंगलियां लेके फरमांदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला बैठ गया कहन लगा बिलाल तू उस दुकानदार का भी उधार देना है ओदा भी उधार देना है ओदा भी उधार देना है ते तू इन्हां दा भी उधार देना ते तेनू पता मेरा मदीने एडा वड्डा जनरल स्टोर है तू मेरे को उधार लिया कर कल्ले को जदों पैसे होण दे देवे इधर बिलाल अजान पढ़नी ते यहूदी ने ना जूमना
आवाज ही बड़ी सुरीली सी। बिलाल ने अजान पढ़नी तो उन्हें झूमना, तो उन्हें एक दिन ख्याल आया जे मैं इंज झूमना तो सारे यहूदियों का आ ही हाल होंदा होगा, तो वह ना हो बिलाल अजान पढ़ी जाए तो यहूदी मुसलमान होंदे जावन, तो मैं बिलाल का इंतजाम ना कर लवा, इन्हों उधार देवगा, जो पैसे चौखे हो जाने को उधार वापस नहीं किया जाना तो मैं इन अपना गुलाम बना लवागा। भी एन ही इस तरह होया, वो उधार खरीद रहे ना हजरत बिलाल, जो 5-7 लाख का उधार हो गया ना, तो एक दिन आपने अजान पढ़ी तो यहूदी आ गया मस्जिद नबी चौधरी नाल लैके, तो बिलाल को कह लगा बिलाल तेरे को 3 दिन ने, 3 दिन के मेरा उधार वापस कर, जो उधार वापस ना किया तो मैं तेन अपना गुलाम बना लेना है। बिलाल रोंदे नबी पाक को ला गए, अर्ज की यार रसूल अल्लाह उस यहूदी ने मेरे ना धोखा किया, यार रसूल अल्लाह मेरे को ते पैसे नहीं कि मैं उधार दे सका, हजूर ने फरमाया फिल वक्त मेरे को भी नहीं। बिलाल ने जुत्ती पहनी, तलवार कंधे ना लटकाई, ते मदीना छड़ के टुर पे, आज तो कुल कायनात सी, आज तो कुल कायनात सी, एक जुत्ती ते एक तलवार टुर पे, अर्ज की यार रसूल अल्लाह जब पैसे होंगे ना तो मैं बुला लियो तो मैं आ जावांगा। बिलाल रोंदे मदीने की गली च जा रहे थे, इधर ना ताइफ दे सरदार ने मेरे नबी ने 4 ऊंट समान दे लदे हुए तोहफा भेज दिता, ऊंट दरे मुस्तफा ते आ गए, ते मेरे नबी फरमा दौड़ो को मेरे बिलाल नू बुलाओ, इधर बिलाल आए ते नबी पाक ने फरमा ऊंटा दी मुहार पकड़ते जा यहूदी को, उन्होंने कहा कर अपना हिसाब किताब। बिलाल ने ऊंट की मुहार रखी कंधे ते, 4 ऊंट लैके यहूदी दे दुकान ते टुर गए, उन्होंने फरमाद ने कर अपना हिसाब किताब। नौजवानों ने जब हिसाब किया तो 3 ऊंटों का समान बनया, हजरत बिलाल ने 3 ऊंट का समान उन्होंने दिता, चौथे ऊंट की मुहार अपने कंधे ते रख के मुस्तफा दे घर वाले टुर पे, नाले टुरे आउंदे नाले फरमांदे ने मेरा राखा कमली वाला है, मैनु कौन मिटावे मैं वाला है, मेरा राखा वाला है, मैं कौन मिटावन वाला है, तेरी उस सोने नाल लग गई है, जेड़ा तोड़ निभावन वाला, साडा राखा ही कमली वाला है, तुसी बोलो सुभान अल्लाह, एडी मिठी फिर अजान पढ़दा, या जे आओ फतह मक्का दा दिहाड़ा ते मेरे नबी फरमा काबे दी छत ते चढ़ के अजान पढ़। बिलाल रो के अर्ज कीती मैं गुलाम हां, दुनिया दे चौधरी खलोते ने, सोने मैं ना तू चा किवें हो जावां, फरमा तू काबे दी छत ते चढ़ जा, मैं दुनिया दे चौधरियां नू इयो दसना है, ओ दुनिया दे ओ चौधरी ओ तुहाडे नालों मुहम्मद दे कमी दा मुकाम बहुत आ जे। हजरत मियां शेर मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा मुरीद आया तो कहन लगा लाजपाल लोग नाम ना चौधरी लिखते हैं तो मेरा दिल करता मैं भी लिखा, मैं भी चौधरी हाँ, तो पहले मैंने दसो चौधरी होंदा कौन है, मतलब की होंदा है? आपने फरमा पुत्र मर्जी तेरी है पर चौधरी दो होंदे ने, हजूर केड़े? फरमा जिद कोल मुरब्बे होन चौधरी होंदा है, माल डंगर वल होवे, डेरेदारी बैंक बैलेंस गड्डी छड्डी वल होवे, नौकर चाकर मनो चौधरी होंदा है। उन्हें अर्ज की हजूर एक चौधरी तो दूसरा केड़ा होंदा है? फरमा पुत्र मुरब्बियां वाला चौधरी मर जाए चौधर मुक जाती मुहम्मद दा बन के मर जाए कबर च भी चौधर जूंदी रहेगी। असल चौधरी वही होंगे ने जो मुस्तफा करीम के फकीर होंगे ने। गिरामी कदर हजरात बस फिर बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला ने फरमा चढ़ काबे की छाते। बिलाल जदों काबे की छाते आके ते कन्ना चुंगलियां लैके पढ़ी ना अजान, आखिरी गल्ला हुण सुनो बस, फजर की अजान का वक्त करीब आ रहे। बिलाल हबशी जड़े वेले अजान पढ़ी जा रहे, सारी दुनिया वाले वेखी जा रहे, ख्याल आया बिलाल अजान काबे वाल चेहरा करके पड़ी दी है, काबे दी छत ते खड़ा है, किधर चेहरा करके अजान पड़ी जा रहे है, लोग बिलाल दा इश्क वेख के हैरान रह गए, बिलाल अजान पड़ी जा रहे है, पड़ी जा रहे है, पड़ी जा रहे है, जिधर जिधर कमली वाला टुरी जा रहे है, बिलाल उधर उधर मुड़ी जा रहे है, बिलाल उधर ही मुड़ी जा रहे, नाले कहंदा दर मुर्शद दा खाना काबा, ते हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, चल दबारा मलिए, ते इजाजत देवो ते आखिरी कलाम पढ़ा हजरत सखी सुल्तान बहूर रहमतुल्लाह अलैह दा।
सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। आरफां दे सुल्तान ने फरमाया तर मुर्शिद दा या इंज कह लने आ मुर्शिद मक्का तालिब हाजी फिर काबा इश्क बनाया उसे बारी मैं तवाफ भी कीता अजे दिल मिलने ते आया हुजूर सदा हर वेले